प्यारे दोस्तों, जब सुबह सुबह प्रातः काल में जगता हूँ 4 बजे 4:30 बजे के आसपास, तो सबसे पहले मैं कबीरदास की दोहों को देवाशीष दास गुप्ता के स्वर में सुनता हूँ। लेकिन उसमें देखता हूँ कि वो अपने तरफ से भैया भौजी जोड़ देता है, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सुच्चा हूँ और सुच्चा ही ओरिजिनल चीज़ मुझे चाहिए। इसीलिए मैं ही उनकी कविताओं को बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमको तो गवैया बनना नहीं है, भजनिया नहीं बनना है, हमको तो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिवान सर्वश्रेष्ठ वीरेंद्रदास कबीरदास बनना है। इसीलिए मैं आपको सुना दे रहा हूँ, संक्षेप में सुना रहा हूँ, और जो समझ में नहीं आता थोड़ा उसका अर्थ भी बता देता हूँ, उसकी व्याख्या भी कर देता हूँ। तो रात गमाई सोई करिए, दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौरी बदले जाए। इसीलिए समय का कदर करिए, इसको टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। जिसने समय की कीमत समझा और एक लक्ष्य निर्धारित करके योग का सहयोग लेते हुए गुरुओं के शरण में जाके अनवरत तपस्या किया, तो बन गया सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, तुकाराम दास जी, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। आपका भी अवसर है, इसीलिए समय का सदुपयोग करिए, बट लक्ष्य होना, और लक्ष्य को पाने के लिए गुरु की भी महिमा होनी चाहिए। गुरु नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गुरु गोविंद हो करे का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना कुछ नहीं पा सकते हो, गुरु को सब अनुभव है, इसीलिए फटका चुटी बजा के ज्ञानी बना देगा। तो गुरु के शरण में जाओ, लक्ष्य निर्धारित करो और कठोर परिश्रम करो, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं हो, हमेशा सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ते रहो। क्योंकि संघर्ष करोगे और दिन रात अश्रु श्वेत रथ से लथपथ हुए, न रुकोगे, न मुड़ोगे, न थमोगे, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो सफलता तुम्हारी पग चूमेगी ही एक दिन भाई। पड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर हमारी बातों को सुनते हुए ये महान ज्ञानियों मुनियों की बातों सुनते हुए महान बन गए, तो लोगों के लिए जियो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है, सागर साबन देता है। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो यही मेरी विनती आपसे है, और जब मैं बोलता हूँ सब, तब होता है जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों के लिए जियो। सारी आत्माएं समान है, आत्म सर्वभूते से उनकी भावना का कदर करो। कोई दुखी नहीं हो, किसी को तड़पाओ मत। अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेव जयते, इन सिद्धांतों पर चलने वाला ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी, आपको भी दुनिया में सुख शांति के लिए ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसे सुनिए। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। प्यारे दोस्तों, पानी की बुलबुले की तरह हमारी जिंदगी है, एक झटके में ही ये फूट जाएगा, मीन्स एक दिन हम सभी मरे जाएंगे। हमारा जीवन कोई अनंत काल के लिए नहीं है, ये इम्परमानेंट है, ये क्षणभंगुर है। इसीलिए सोचो तुम कौन हो, क्या करने आए हो, क्या करना चाहिए, शांति का एहसास करो। डरना नहीं, न मृत्यु से डरो। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मरने से मत डरो, कुकर्म से डरो, गलत रास्ते मत चलो। दुनिया में हाहाकार है, अत्याचार है, दुराचार है, बलात्कार है, ईर्ष्या द्वेष कलह के आग में जलता हुआ मनुष्य एक दूसरे को मार रहा है। जिधर न जालो हाहाकार है, मानवता मर चुकी है, पार्श्विकता जल चुकी है, दुनिया जला रहा है ये दुष्ट लोग। उसी को सुधारने के लिए तो मैं महापुरुषों की वाणी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए क्षणभंगुर जीवन को सफल करो। पानी केरा बदबुदा मन मानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। गौर से सुन लो, पानी केरा बुदबुदरा, पानी के बुलबुले की तरह तुम्हारा जीवन है। असमानस की जात, मनुष्य जाति का जीवन क्या है, पानी के बुलबुले की तरह फुर्र से फूट जाएगा एक दिन। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात, या ओसकन भी बोलो, जो ही सूरज की रोशनी आएगी तो सारे उड़ जाएंगे। तो थोड़ा समझदार हो जाओ, चेतो भाई, चेतो चेतो। हार जले यों लाकड़ी, केश जले यों घास, सब तन जलता देख करी,
भया कबीरदास भाई साहब, अगर आप किसी एक धर्म से जुड़े हैं तो मरने के बाद आपको जला दिए जाएंगे, तो ये हड्डी भी जलेंगे, बाल भी जलेंगे, तन के एक एक कण भी जलेंगे। लेकिन जब इसको जलते हुए देखा, घास की तरह बाल को जलते, लकड़ी की तरह हड्डी को जलते, तो कबीरदास उदास हो गए, क्योंकि मृत्यु तो थोड़ा दुखद ही होता है, क्योंकि इतना सुंदर ये पृथ्वी। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। अगर आप भाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी संतान आपकी इच्छा के अनुसार महान बन गए, संत कबीर बन गए, सूरदास बन गए, मीराबाई जैसे बन गए, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की प्रेरणा से उनसे भी बड़े बन गए, तो आप उनको छोड़ के जाना चाहेंगे क्या? दुखी तो हो ही जाता है। लेकिन चिंता मत करिए, दुख करने की जरूरत नहीं है। आप दुखी हो चाहे सुखी हो, जाना तो पड़ेगा ही, जलना तो पड़ेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही, उदास मत होइए। कबीर दास जो कि मैं समझाता, कबीर उदास मत होना, ये प्रकृति का नियम है, इसे तोड़ नहीं सकते। उदास क्यों हो रहा है? उदास तो तब हो जब इस जीवन को नरक की तरह जियो और दुनिया में नरक बना दो, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम महाविजयी पुरुषोत्तम फकीर योगी वीरेंद्र योगी कबीर योगी है कबीरदास, तो उदास क्यों हो रहा है? मैं उदास नहीं होता, हजार बार भी जलू हजार बार भी मरू उदास नहीं होऊंगा, लेकिन एक एक क्षण एक एक पल पर सदुपयोग नहीं करूं तो मैं बहुत उदास होऊंगा। अगर हे जीव जंतु पशु पक्षियों को मैं तड़पते देखता हूं, पानी के बिना खाने के बिना, और मानवता का दारिंदगी देखता हूं, तो मैं उदास होता हूं। लेकिन मैं कमजोर हूं, मुझमें वो शक्ति नहीं है आदि गुरु आदि योगी शिव शंभु हर हर महादेव का, नहीं तो त्रिनेत्र से सबका सर्वनाश करता। किसी का विनाश करना है, खुद का विनाश करना, बट ये मूर्ख कब समझेगा? नहीं समझेगा। ये जलेगा मरेगा, अग्नि को समर्पित हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। सीखिए और समझिए और ज्ञानवान बनिए।